नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंजीनियरिंग टेक्निकल सॉल्यूशंस में। तो आज हम देखेंगे दो थ्री फेज इंडक्शन मोटर हैं जो लेस देन 5 HP की हैं, उनको इस तरीके से चलाना है कि पुश बटन ऑन करते ही पहली मोटर चल पड़े, 30 सेकंड के बाद में पहली मोटर चलने के 30 सेकंड के बाद में दूसरी मोटर चले, फिर 30 सेकंड होने के बाद में पहली मोटर चले, फिर 30 सेकंड के बाद में दूसरी, फिर 30 सेकंड के बाद में पहली, फिर 30 सेकंड के बाद में दूसरी। मीन्स ये ऑपरेशन कॉन्टिन्यूसली होता रहे जब तक कि मैं उसको मोटर को स्टॉप नहीं कर देता। इससे पहले हमने ये स्टडी किया था कि पुश बटन मैंने ऑन किया और थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो गई फर्स्ट वाली, सेकेंड इंडक्शन मोटर 30 सेकंड के बाद में स्टार्ट हुई और पहले वाली स्टॉप हो गई। आज हम इनका कॉन्टिन्यूसली ऑपरेशन करने वाले हैं जिससे ये ऐसे ऐसे चलती रहेगी। क्लियर? तो आइए देखते हैं। अब देखेंगे कि पावर सर्किट डायग्राम तो मोस्टली सेम है, हर जगह पर कुछ भी चेंज नहीं है। थ्री फेज बस बार, तीन फेज निकल करके फ्यूजिस के माध्यम से टीपीआईसी एमसीबी में, टीपीआईसीबी एमसीबी में निकल, एमसीबी से निकल करके कॉन्टैक्टर्स में, कॉन्टैक्टर K1 और K2, वहां से निकल करके MPCB1, MPCB2, वहां से निकल करके थ्री फेज इंडक्शन मोटर 1 और थ्री फेज इंडक्शन मोटर 2। मींस थ्री फेज सबसे पहले आएंगे फ्यूजिस के, एचआरसी फ्यूजिस, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजिस के ऊपर वाले टर्मिनल में, वहां से निकल करके वहां के नीचे वाले टर्मिनल से निकल करके टीपीआईसी ट्रिपल पोल आयरन क्लैड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल में, उसके नीचे वाले टर्मिनल से निकल करके कॉन्टैक्टर के ऊपर वाले टर्मिनल में, कॉन्टैक्टर के नीचे वाले टर्मिनल से निकल करके एमपीसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल्स में, फिर एमपीसीबी के नीचे वाले टर्मिनल से निकल करके थ्री फेज इंडक्शन मोटर में डायरेक्टली चले जाएंगे। और इस इंडक्शन मोटर को अर्थ किया गया है, जैसे ही सेम ये इंडक्शन मोटर 1 है सेम वैसे ही इंडक्शन मोटर 2 का पावर सर्किट डायग्राम है। अब इसको चला करके देखने के लिए क्या है, K1 को प्रेस करूंगा मैं, टीपीआईसी एमसीबी मैंने ऑन कर दिया, फ्यूज यहां से फेज यहां से निकल करके ये क्लोज हो गया, तो यहां से निकल करके यहां पे K1 के ऊपर वाले टर्मिनल्स तक आए हुए हैं। जैसे ही मैं K1 को प्रेस करूंगा तो ये जो कॉन्टेक्ट अभी NO शो हो रहे हैं ये क्लोज हो जाएंगे और तीनों फेज निकल करके एमपीसीबी के ऊपर आ जाएंगे और एमपीसीबी के नीचे से निकल करके इंडक्शन मोटर में चले जाएंगे और इंडक्शन मोटर मेरी रोटेट होने लगेगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है और हमें चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो तीन फेज जो है आर वाई बीन में से कहीं कोई भी दो फेज आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, या तो रेड येल्लो को चेंज कर दो, या येल्लो ब्लू को चेंज कर दो, या ब्लू रेड को चेंज कर दो, पर करने केवल एक जगह से है। ऐसा नहीं कि यहां से भी कर दिए, यहां से भी कर दिए, या यहां से भी कर दिए और यहां से भी कर दिए, नहीं, केवल एक जगह से, या तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, या इन दोनों को, या इन दोनों को, एक जगह से, या तो इधर से कर दो, या इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, यहां से कहीं से भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस इंडक्शन मोटर 2 के लिए है। क्लियर? चला करके देखने के लिए वही एमसीबी को ऑन करो, K2 प्रेस करो, इंडक्शन मोटर चल रही है तो ठीक है कनेक्शन, अगर नहीं है चल रही है तो अपने कनेक्शन को वेरीफाई कर लो इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंगली। तो अब हम देखने वाले हैं कंट्रोल सर्किट डायग्राम। कंट्रोल सर्किट डायग्राम में क्या है, एक फेज लिया है, नीचे न्यूट्रल की बस बार ले ली है, फेज फ्यूज के माध्यम से, एचआरसी फ्यूज के माध्यम से, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज के माध्यम से निकला और इमरजेंसी स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में चला गया, इमरजेंसी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से निकल करके ऑफ पुश बटन के ऊपर वाले टर्मिनल में, ऑफ पुश बटन के नीचे वाले टर्मिनल से निकल करके एक तो गया ऑन पुश बटन के ऊपर वाले टर्मिनल में, वहीं से निकल करके कॉन्टेक्टर K1, इस कॉन्टेक्टर K1 की ये जो लैच है इसके ऊपर वाले टर्मिनल में, जो NO होती है, लैच हमेशा NO होएगी, वहां से निकल करके टाइमर 2 का सेकेंड कॉन्टेक्ट, टाइमर 2, दो टाइमर यूज करेंगे हम यहां पर में, जो क्या करेगा, पहले 30 सेकंड काउंट करेगा, फिर जब मोटर दूसरी चलने लगेगी उसके 30 सेकंड काउंट करेगा, वो दूसरा टाइमर होगा। तो दूसरे टाइमर का सेकेंड कॉन्टेक्ट जो NO है बाय डिफॉल्ट, उसके ऊपर वाले टर्मिनल में, ठीक है। फिर इन्हीं के जो नीचे वाले टर्मिनल में टर्मिनल्स हैं, ये K1 से जुड़ गया नीचे, K1 के नीचे वाले टर्मिनल से, और K1 के नीचे वाले टर्मिनल से ऑन पुश बटन के नीचे वाले टर्मिनल में, अभी कनेक्शन समझा रहा हूं। फिर वहां से निकल करके ऑन पुश बटन के नीचे वाले टर्मिनल से निकल करके
टाइमर वन, ये जो टाइमर है टाइमर वन, इस टाइमर के एनसी कॉन्टैक्ट के ऊपर वाले टर्मिनल में, फिर वहां उस कॉन्टैक्ट के नीचे वाले टर्मिनल से निकल करके कॉन्टैक्टर के वन, ये जो कॉन्टैक्टर के वन है इसकी जो कॉयल होती है जिसको एनर्जाइज होने पर कॉन्टैक्टर अपनी पोजिशन चेंज करते हैं, उसके ऊपर वाले टर्मिनल में ए टू नीचे वाले टर्मिनल को डायरेक्टली हमने न्यूट्रल दे देनी है। यहां से इंडिकेटर भी लगा दिया है, जैसे ही A1 में सप्लाई आएगी वैसे ही इंडिकेटर में सप्लाई चली जाएगी, 220 वोल्टेज का ही इंडिकेटर होगा ये भी। न्यूट्रल यहां से मिल गई, फेज यहां से मिल गया, यहीं से एक तार निकल करके टाइमर के A1, टाइमर T1 के A1 टर्मिनल में, यहां पे मैंने शो नहीं किया लेकिन A1 टर्मिनल होता है वो जो टाइमर की कॉइल को एनर्जाइज करता है, तो टाइमर काउंट करने लग जाता है 30 सेकंड यहां के ऊपर वाले टर्मिनल में। नीचे वाले टर्मिनल को हम डायरेक्टली न्यूट्रल दे करके रखते हैं। यहां से ही या यूं कह लो ऑन पुश बटन के ऊपर वाले टर्मिनल से ही, या ऑफ पुश बटन के नीचे वाले टर्मिनल से ही, या K1 के ऊपर वाले टर्मिनल से, या टाइमर T2 के सेकंड कॉन्टैक्ट जो NO है, जो लैच के तौर पर हमने यहां पे यूज किया है, उसके ऊपर वाले टर्मिनल से निकल करके तार एक यहां जा रही है। मीन्स ये सारे बेसिकली लूप है, तो यहां से निकल करके तार गई है टाइमर वन के सेकंड कॉन्टैक्ट में जो बाय डिफॉल्ट NO है क्योंकि लैच के तौर पर यूज किया हमने यहां पर, तो इसके ऊपर वाले टर्मिनल में गई, नीचे वाले टर्मिनल से निकल करके टाइमर T2 के फर्स्ट टर्मिनल में, सेकंड टाइमर T2 का फर्स्ट कॉन्टैक्ट, सेकंड कॉन्टैक्ट तो हमने यहां पर लैच के तौर पर यूज कर लिया, सेकंड टाइमर 2 का फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो बाय डिफॉल्ट NC है, फर्स्ट सेकंड वो आप अपनी इच्छा से लिख सकते हो, मैंने यहां पर समझाने के लिए इसको फर्स्ट दे दिया है, इसको 2 दे दिया है, जैसे यहां पर ये फर्स्ट ये 2, क्लियर। तो यहां से निकल करके टाइमर 2 के फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो बाय डिफॉल्ट NC है उसके ऊपर वाले टर्मिनल में, नीचे वाले टर्मिनल से निकल कर जैसे ये था फर्स्ट का जो टाइमर फर्स्ट का NC था उसके नीचे वाले टर्मिनल से निकल करके K1 में, इसी प्रकार टाइमर 2 के NC के नीचे वाले टर्मिनल से निकल करके कॉन्टैक्टर K2, जो कॉन्टैक्टर K2 की कॉइल के A1 A2 टर्मिनल में, इसके A1 में जाएगा A2 में न्यूट्रल, यहीं से निकल करके एक इंडिकेटर में चला जाएगा, इंडिकेटर जो बाय डिफॉल्ट क्या है हमारा 220 वोल्टेज AC के तौर पर काम कर रहा है यहां पर, यहीं से निकल करके ये मैंने यहां पर जंक्शन बना दिया, यहीं से निकल करके इंडिकेटर में जाएगा, इंडिकेटर को डायरेक्टली न्यूट्रल मिल जाएगी। यहां से एक टाइमर फर्स्ट के जो ऊपर वाले टर्मिनल में गया था, टाइमर फर्स्ट का जो सेकंड कॉन्टैक्ट है जो बाय डिफॉल्ट NO है, लैच के तौर पर यूज हो रहा है, वहीं से निकल करके कॉन्टैक्टर K2 कॉइल, कॉन्टैक्टर K2 जो है कॉन्टैक्टर K2 उसके उसका एक कॉन्टैक्ट है जो बाय डिफॉल्ट NO है एज अ लैच यूज हो रहा है यहां पर, उसके ऊपर वाले टर्मिनल में, ये दोनों नीचे वाले टर्मिनल आपस में जुड़ गए, टाइमर फर्स्ट का सेकंड कॉन्टैक्ट जो बाय डिफॉल्ट NO है, कॉन्टैक्टर K2 का कॉन्टैक्ट जो बाय डिफॉल्ट NO है, दोनों जुड़ गए आपस में, नीचे से नीचे वाले टर्मिनल जुड़ गए, कॉन्टैक्टर K2 के NO कॉन्टैक्ट के नीचे वाले टर्मिनल से निकल कर टाइमर T2 में, या यहीं से एक तार निकल करके इसमें टाइमर 2 में जाएगी और न्यूट्रल नीचे से मिल जाएगी। A1 में टाइमर 2 का जो A1 टर्मिनल है उसमें हम यहां पे ऊपर से फेस दे देंगे, नीचे से न्यूट्रल मिल जाएगी, जो A2 होता है यहां पर शो नहीं किया है। ये तो हमने सर्किट डायग्राम देखा भी, अब इसकी वर्किंग देखते हैं, एक थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि ये बेसिकली सर्किट डायग्राम बनाना कितना आसान है। क्या करेंगे आप, ये तो बेसिकली स्टैंडर्ड है, फ्यूज आएगा, इमरजेंसी स्विच आएगा, ऑफ पुश बटन आएगा, उसके बाद में यहां से निकल करके ऑन पुश बटन में तार जाती है, ऑन पुश बटन में चली गई जी, ये देखो ऑन पुश बटन में गई, तो जब K1 लगना चाहिए तो K1 की लैच भी लगनी चाहिए, क्लियर है। अब K1 की लैच लग गई है तो उसी समय में 10 सेकंड के बाद में 30 सेकंड के बाद में दूसरी जो मोटर चलेगी तो उसके लिए उसकी लैच लगनी चाहिए, या हमने उसकी लैच शो कर दी। अब लैच टूट जाती है, उस लैच को मेंटेन रखने के लिए यहां पर टाइमर 2, जैसे देखो इस K1 में, इस K1 के रास्ते में टाइमर फर्स्ट, टाइमर 1 का NC आ गया, इस कॉन्टैक्टर के रास्ते में टाइमर 2 का NC आ गया, देखो 1 1, यानी कि ये भी NC है, ये भी NC, ये टाइमर 1 का NC है, ये टाइमर 2 का NC है, यहीं से ही तार निकल के टाइमर 1 में जाएगी, यहीं से ही तार निकल करके टाइमर 2 में जाएगी। इसका टाइमर 1 का एक कॉन्टैक्ट यहां पर NC के तौर पर यूज हो गया, एक कॉन्टैक्ट यहां पर, ये बेसिकली इंटरलॉकिंग हो गई, एक कॉन्टैक्ट यहां पर लैच के तौर पर यूज हो गया,
यहां जैसे टाइमर टू का कॉन्टैक्ट यहां पर एनसी के तौर पर यूज हुआ है, वैसे यहां पर टाइमर टू का एक कॉन्टैक्ट एनओ के तौर पर एज अ लैच यहां पर यूज हुआ है। तो टाइमर टू को सप्लाई यहां से जा रही है, टाइमर वन को सप्लाई यहां से जा रही है। ये ओवरऑल सर्किट डायग्राम होगा, थोड़ा सा याद करने का तरीका। टाइमर फर्स्ट का कॉन्टैक्ट एनसी यहां पर, एनओ यहां पर, टाइमर सेकंड का एनसी यहां पर, एनओ यहां पर, ये के वन और इसकी लैच मिली हुई है टाइमर की, यहां पर के टू और टाइमर की लैच मिली हुई है। यहां पे फर्स्ट टाइमर की लैच मिली है, यहां पर सेकंड टाइमर की लैच मिली है। ये थोड़ा सा याद रखने का तरीका, के वन है तो टाइमर टू यूज होगा, के टू है तो टाइमर वन यूज होगा। ऑन पुश बटन तो यूज करना ही था हमने, सर्किट डायग्राम में कुछ भी नहीं है। अब इसकी प्रोसेसिंग देखते हैं, इसकी वर्किंग देखते हैं भाई। फ्यू फेज यहां से निकल करके, यहां से निकल करके ये सारा एनसी है यहां पर पहुंचा हुआ है, यहां सभी में ऊपर वाले में फेज है। जैसे ही मैं ऑन पुश बटन को प्रेस करूंगा, ऑन पुश बटन के प्रेस होते ही फेज यहां से निकल करके कॉन्टेक्टर के वन के ऊपर वाले टर्मिनल में चला जाएगा, मीन्स कॉन्टेक्टर के वन की कॉइल एनर्जाइज हो गई। जैसे ही कॉन्टेक्टर के वन की कॉइल एनर्जाइज हुई, ये जो कॉन्टेक्ट है टाइमर कॉन्टेक्टर के, ये क्लोज हो जाएंगे। ये क्लोज होंगे तो साथ में ये भी क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज होगा तो ये छोड़ दिया मैंने, तो हमारा सर्किट यहां से मेंटेन हो जाएगा। यहां से फेज यहां से आया, यहां से आया, इधर से ऐसे मेंटेन हो गया, ये हो गया। उसी समय में सप्लाई मेरी यहां पे चली गई, क्लियर। ये अभी तक एनसी ही है, टाइमर वन का एनसी ही है। जैसे ही 30 सेकंड होंगे, 30 सेकंड के बाद में क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। ये सिर्फ कुछ सेकंड के लिए क्लोज होगा, मिली सेकंड लगा लो, माइक्रो सेकंड कुछ ऐसा होगा, ये क्लोज हुआ। जैसे ये क्लोज हुआ, उसी समय में क्या होगा, सॉरी ये नहीं, ये टाइमर टू का है। जैसे ही 30 सेकंड होंगे, ये ओपन हो जाएगा और ये वाला ये क्लोज हो जाएगा। ये कुछ सेकंड के लिए क्लोज होगा, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। अब जैसे ये ओपन हुआ है, ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, तो ये लग गया, ये लग गया, यहां से लैच लग गई और ये हट गया। ये क्यों हटा, क्योंकि इसके हटने से जब ये ओपन हुआ तो केवन को सप्लाई नहीं जाएगी, केवन को सप्लाई नहीं जाएगी तो फिर केवन की जो ये लैच लगी हुई है ये भी हट जाएगी, क्योंकि ये तो कॉयल के एनर्जाइज होने पर ही अपनी पोजीशन चेंज करेगी ना। अब यही ओपन हो गया तो यहां पर सप्लाई नहीं जाएगी, पर ये फास्ट ऑपरेशन इतना जल्दी हुआ कि अभी यहां तक चल रहा था ये केवन चल रहा था, 30 सेकंड हुए, ये ओपन हुआ, इसको सप्लाई कटने से पहले, मतलब सप्लाई यहां पहुंचने से पहले ये ओपन हुआ, ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हुआ, ये लग गया, कॉन्टेक्टर के टू की कॉइल एनर्जाइज हो गई और ये लग गई, यानी कि के टू लैच लग गई और ये यहां से सर्किट मेंटेन हो गया। उस समय में यहां सप्लाई पहुंचेगी और ये हट जाएगा, ये हट जाएगा तो ये भी हट जाएगा। ये क्यों हटेगा, क्योंकि इसको सप्लाई ही नहीं मिलेगी तो 30 सेकंड कहाँ काउंट करेगा, सप्लाई तो यहां से मिलनी थी ना, ये 30 सेकंड काउंट नहीं करेगा तो ये भी हट जाएगा, यानी कि ये एनओ ही हो गया, ये एनसी ही हो गया, अपनी पोजीशन पे आ गया। अब सर्किट मेरा कौन सा चलने लग गया, यहां से ये K2 क्लोज हो गया, मोटर 2 चलने लग गई, 30 सेकंड हो गए, टाइमर 2 को भी यहीं से सप्लाई जा रही है। 30 सेकंड के बाद में क्या होगा, ये 30 सेकंड अपने काउंट करेगा, 30 सेकंड काउंट होने के बाद में ये ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही ओपन हुआ, सप्लाई यहां से यहां धीरे धीरे जा रही है, जैसे ही यहां जा रही है, उसके जाते जाते ही ये जो टाइमर टू का सेकंड कॉन्टेक्ट है जो यहाँ पे लैच के तौर पे यूज हुआ है, क्योंकि ये सर्किट चलाना है अभी हमारे को, इस सर्किट को चलाने के लिए ये क्लोज हो जाएगा। जैसे ये क्लोज हुआ, ये एनसी था ही, केवन लग गया, केवन लगा तो ये लग गया, ये लग गया तो हमारा सर्किट यहाँ से मेंटेन हो गया, ये हट जाएगा। ये क्यों हटेगा, क्योंकि सप्लाई यहाँ पे पहुंच चुकी है, के टू जो कॉइल सॉरी अभी क्या हुआ था, सप्लाई टाइमर टू था, टाइमर टू अभी 30 सेकंड हुए थे, 30 सेकंड के होने के बाद में इसको ओपन हो जाना था। जैसे ही ये ओपन हुआ अभी सप्लाई यहां तक, अभी तक सप्लाई यहां पे जा रही है, पर ये ओन ओपन होने में थोड़ा टाइम लगा रहा है। जैसे ही ओपन होगा, ओपन होते ही ये वाला, ओपन होने से पहले ही ये वाला सर्किट हमारा, इसको सप्लाई मिल गई, इसको सप्लाई मिल गई तो ये लग गया, ये लग गया तो सप्लाई यहां से मेंटेन हो गई और ये ओपन हो गया। अब ओपन हुआ, ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, क्योंकि के टू ओपन हो गया है, यहाँ पे सप्लाई मेंटेन नहीं रही है, ये ओपन हो गया तो ये जो टाइमर टू था ये भी सर्किट से आउट हो गया है। अब क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट फिर से एनसी हो जाएगा और हाँ ये फिर से एनसी हो जाएगा और ये एनओ ही हो जाएगा, क्योंकि इसको सप्लाई नहीं मिल रही तो ये 30 सेकंड के बाद में क्लोज होना था, ये नहीं होगा, ये फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर से सर्किट ऐसे चलेगा, यहाँ पे सप्लाई आई, ये एनसी ही था,
K1 चला, K1 चला, इसने 30 सेकंड काउंट करे, ये ओपन हुआ, ये इसने इतने 30 सेकंड काउंट करे, ये ओपन होने से पहले ही क्या होगा, ये लगेगा, ये लग करके सप्लाई यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ ये लैच लग जाएगी, सर्किट ऐसे मेंटेन हो जाएगा, उस समय में ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये ओपन होगा ये भी ओपन हो जाएगा, क्योंकि टाइमर के 30 सेकंड इसको नहीं मिल रहे, तो ये ओपन फिर से हो जाएगा, यानी कि ये एनसी ही रह गया, ये ओपन ही हो गया, तो सर्किट यहाँ से मेंटेन हो गया। K2 चलने लग गई, K2 चलने लग गई, तो K2 चल रही है जब 30 सेकंड होंगे इसके, जैसे इसके 30 सेकंड होंगे ये ओपन होने वाला है, अभी ये ओपन नहीं हुआ है, उससे ओपन होने से पहले इसने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। इसको क्लोज करने से क्या हुआ, फटाफट यहाँ पे सप्लाई चली गई, यहाँ सप्लाई चली गई, तो K1 की लैच लग गई, और उस समय में ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, तो ये जो टाइमर था इसको सप्लाई कट गई, ये सप्लाई कट गई, क्योंकि K2 को सप्लाई नहीं मिल रही है, यहाँ से लैच गायब हो गई, K2 इसकी टाइमर 2 की सप्लाई गायब होगी, टाइमर 2 की सप्लाई गायब होगी, तो फिर से NC हो गया और ये NOI हो गया, और सर्किट मेरा ये मेंटेन होगा, फिर से 30 सेकंड हो गया, फिर ये वाला सर्किट चल पड़ेगा। मीन्स ये सर्किट ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक कि मैं इसको ऑफ पुश बटन को प्रेस ना कर दूं या इमरजेंसी स्विच को प्रेस ना कर दूं। क्लियर? तो आज का सर्किट डायग्राम यही था, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल के साथ बने रहिए, आगे चल करके अब यही जो 3 सर्किट मैंने करवाए हैं यही हम स्टार डेल्टा में स्टडी करेंगे, जो मोर देन 5 HP की मोटर होती है, जो स्टार डेल्टा में ही रन होती है। क्लियर? तो तब तक के लिए धन्यवाद।